यार मैंने सोचा कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं ट्रैवल किसके साथ कर रहा हूँ, तो ये मेरा इतना प्यारा सा क्यूट सा ड्राइवर है। ड्राइवर ध्यान ना गड्डी चला के तो ठोकना नहीं भाई। यार तू बाद में ले, ड्राइवर साहब गड्डी चलाओ ध्यान ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, योर बॉयज बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। और आज के सीन्स लाहौर के हैं। कज़न की कॉल आई कि भाई कहते हैं कि लाहौर जाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं, अपनी नींद को कुर्बान करके हम लाहौर जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा जिस तरह आप पिछले व्लॉग पसंद कर रहे हो। सो लेट्स गो गाइस। गाइस फॉरेन अफेयर ऑफिस आए हैं, इधर छोटा सा एक काम है, छोटा सा, एंड आई विल राइट बैक टू यू गाइस। और इसके बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे। गाइस जस्ट लो जूम में पहुंचे हैं अभी हम, तो अभी अंदर जाएंगे और आपको जानवर दिखाएंगे। हमारे साथ बच्चे भी हैं छोटे मोटे। ये है कोती। आपको पहला जानवर दिखा रहे हैं, अपना कछुआ साहब। आते ही मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है यार, कि पाकिस्तान के जू जितने भी हैं उधर जानवरों को जलील किया जा रहा है। लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मियाँ के नारे और जू में आया। हाँ जू में आके मियाँ के नारे लगाएगा ये। नाउ वी गोना शो यू द लाइन। गाइस हम जू में आए हैं अपनी फैमिली के साथ, और किसी फैमिली मेंबर ने पूछा कि यार सांप किधर हैं, तो वहाँ भाई आपको बताएंगे कि दुनिया के बेहतरीन सांप किधर देखने को मिलेंगे। वाह भाई देखिए, जो दुनिया के बेहतरीन सांप है ना, चला भाई आप बताएं। चला बताएंगे बेहतरीन सांप सर आपको मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आपके साथ ही। पहले सेमेस्टर में आपको नहीं पता चलेगा कि सांप है, आहिस्ता आहिस्ता जब एक दो साल गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेहतरीन सांप। जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसे खत्म नहीं, जरूरी नहीं, मतलब आपको पता चलता जाएगा, चलता जाएगा। सही कहा है ना, चिड़िया का आने की लोड़ नहीं, किसी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लो। आजकल यारी दोस्ती अंज दी है। चलो गेट बैक टू रियलिटी, आपको बाकी वाले जो जानवर है वो दिखाएं आप। आई एम गोना शो यू वन ऑफ माय फेवरेट एनिमल्स एंड हियर इट इज। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। वाह सुभान तेरी कुदरत यार। बर्ड्स तो आपको इतनी दूर से नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप उनकी आवाज सुन सकते हो। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स ने सांप देखने थे, दोस्तों वाले सांप छोड़ के अब आपको थोड़े दूसरी किस्म के सांप दिखाए। यार ये तो मजाक हो गया है, सांप का बच्चा रख दिया इन्होंने अंदर। स्पेक्टिकल कोबरा, और इधर स्पेक्टिकल कोबरा लाइट। लाइट कोबरा लाइट। सबसे बड़ा सांप, बाकी तो धोखा ही देता था वाम। जैसे कि तलहा ने कहा था कि आपको दुनिया के बेस्ट स्नैक्स हमारी यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेंगे, तो ये बात बिल्कुल सच है कि इधर तो सांपों के साथ धोखा ही किया हुआ है भाई। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जो दुनिया के बेहतरीन सांप हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ही हैं, और हमारे यारों दोस्तों में छुपे हुए हैं। फाइंड देम और उनसे बच के रहो।
We're about to show you the giraffes. This is giraffe and बहुत ही ज़्यादा हम्बल और शांत जानवर. दुनिया का youngest guide जो मुझे चिड़ियाघर की सैर कराएगा. किधर है? शेर किधर है? शेर वो है. किसने देखा इतना क्यूट और इतना यंगेस्ट गाइड. उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बताना था कि आज दाऊद की बर्थडे भी है. अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो उसको हैप्पी बर्थडे भी बोल देना, राइट? सुनावे शितर मुर्गी ये. यार इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है. असल में ये घोड़ा है. उसको ठंड लग रही है तो उसने स्वेटर पहना हुआ है. आपको शायद जीब्रा लग रहा होगा. जीब्रा नहीं है भाई. आपने इंसानों में तो प्यार होता हो देखा होगा. बट हैव यू एवर सीन लव ट्रीज? और इस दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये 400 साल पुराना है. वाह. इधर वीडियो को पॉज करके आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं अपने बालू में या नहीं करते हुए. यार बालू इधर देखो ना. साड़ी घर दे सुन देने तो ना तू सुन रहे हैं. खैर कोई नहीं. इस जगह में कुछ साल पहले हाथी होता था जिसको सूजी कहते थे. वो कम से कम मेरे ख्याल में कुछ छोटी सी थी तब उसको यहाँ पे लाया गया था. और अप्रोक्सीमेटली 35 साल इस पिंजरे में रही है. लेकिन आज उसकी जगह पे कुछ हो रहा है. कहने का मकसद ये है कि यार ये जानवर सिर्फ हमारी इंटरटेनमेंट के लिए, हमारे बच्चों का दिल बहलाने के लिए सारी ज़िंदगी पिंजरों में काट देते हैं. और हम लोग इनको चिड़ियाघर में आकर तंग करते हैं. तो इन चीज़ों को अवॉइड करो. उनको उनके पिंजरों में मैंने देखा है प्लास्टिक्स हैं और बड़ी ज़्यादा चीज़ें, जूस के डब्बे वगैरह फेंके हुए हैं. ये चीज़ें नहीं यार. इस तरह जानवरों की जान जा सकती है. सो अवॉइड दीज थिंग्स. वी हैव टू सेव देम रादर देन टीजिंग देम. नाउ दिस इज़ वुल्फ. This is also one of my favorite animal, rhinoceros. As you can see, roti kha rahe hain. Hey guys, this was it for Lahore Zoo. Umeed hai aapko pasand aaya hoga aur janwar dekh ke maza aaya hoga. Aapke aur aapke bachchon ko. एक जानवर ने आपको बाकी के जानवर दिखाए हैं. ओनली फॉर यू गाइज. सो उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा. अभी इसके बाद थोड़े और सीन है लेकिन मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें. और यहाँ तक अगर जो जो बंदा वीडियो देख रहा है, आई लव यू.